इस वक्त हम दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे उनको वापस अपने वतन में लाने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब तक 17,000 से भी ज़्यादा छात्रों को यूक्रेन से वापस लाया जा चुका है। इस वक्त हमारे साथ स्वाति हैं जो उन्हीं छात्रों में से एक हैं जो यूक्रेन के वॉर जोन में फंसी थी और वहाँ से वो रोमानिया बॉर्डर तक गई और अब वापस अपने सकुशल अपने वतन अपने देश आ चुकी हैं। हमसे बात करेंगे स्वाति। सबसे पहले तो आप अपने सेफ अपने माँ बाप के साथ अपने परिवार के साथ आप पहुँच गई हैं के पास पहुँच गई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा टेंस माहौल से अब हम थोड़ा शांति में पहुँचे हैं फाइनली। क्या कैसा माहौल आपने देखा, क्या हालात देखे? वॉर सिचुएशन जैसी होती है, बॉम्बिंग बम्बार्डमेंट्स हर जगह बाहर। उस सिचुएशन हम एक्चुअली ईस्ट साइड में थे, खार्किव रीजन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बम्बार्डमेंट्स एंड ऑल ज़्यादा वॉर का था। बस वहाँ से पहुँचे, काफ़ी डरे हुए थे बहुत ज़्यादा, तो बड़ी मुश्किल से हम ईस्ट साइड पहुँचे हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने हमारी बहुत मदद करी वहाँ तक पहुँचने के लिए, उनकी बदौलत ये जो हम यहाँ पे ज़िंदा हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का बहुत अच्छा, वहाँ पे बॉर्डर्स में काफ़ी अच्छा रहने सहने का सब कुछ था और उनके यहाँ तक पहुँचे हैं। खार्किव में आप कितने दिनों तक थी? खार्किव में हम 10 दिन तक वहीं पर थे, बंकर्स में थे हम लोग। फिर हम बस 3 मार्च को हम अपने बंकर से निकल के स्टेशन की तरफ गए, वहाँ पे भी बम्बार्डमेंट्स हुई तो कुछ मिला नहीं, तो पिसोचिन हमें वहाँ पे पहुँचना पड़ा। इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो हमें बोला गया था वो एक सेफ प्लेस है, वहाँ पहुँचे, बाय वॉकिंग पहुँचे हैं। रास्ते में काफ़ी वो बम्बार्डमेंट छोड़ थी, हम बिल्कुल जान हथेली भी लेके चले थे, एक हमारे बिल्कुल 100 मीटर के रास्ते पे ये सब कुछ हुआ है, मतलब बॉम्बिंग हुई है। हम काफ़ी डरे थे बच्चे, हम कांट टेल, अभी बस बोल भी नहीं पा रहे जो हमने एक्सपीरियंस किया। इट वाज अच्छा, इतने दिनों तक बंकर्स में रहने के बाद और ये सारी चीज़ें वॉर जोन में गुजारने के बाद, गोलीबारी बमबारी देखने के बाद, जो मेंटल पीस होती है वो कैसे अपने आप को शांत रख पाते? मेंटल पीस बस हर रोज़ ये होती थी आशा कि शायद आज हम निकल जाएं, आज कुछ अच्छी न्यूज़ हो, आज कुछ इवैक्यूएशन प्लान हो, बस ये उम्मीद लेके बैठे होते थे और बस ऐसे ही पहुँच गए। अभी मेंटल पीस तो अभी कुछ नहीं है, फाइनली अब घर पहुँचे, अब पेरेंट्स से मिले हैं, मम्मी पापा सबसे मिले हैं, इनको सुकून मेरी देख के अब खुशी मिल रही है। और जब वहाँ पर थे तो घर वालों को कैसे शांत रखते थे, क्योंकि उस सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, शांत रखते थे, मुश्किल होता है क्योंकि पेरेंट्स बच्चों से दूर है तो होता है ये न्यूज़ में दिखा जाता है कि क्या हो रहा है, तो कोशिश करते थे जितना हो सके हम शांत रखें। खार्किव बॉर्डर से निकल करके जब आप रोमानिया बॉर्डर पर पहुंची तो फिर वहां के हालात क्या थे, स्मूथ पासेज मिल गया आपको? जी बिल्कुल, बहुत स्मूथ पैसेज था वहां से, काफ़ी स्मूथ था। ज़्यादा दिक्कत हमें सिर्फ ईस्ट साइड आई, वेस्ट साइड पहुँच के इट वॉज ऑल नॉर्मल, वहाँ पे कुछ ज़्यादा वॉर वाली सिचुएशन नहीं थी। डर लग रहा था? डर, बहुत डर, हम डर से ही आए हैं, डर के पहुँचे हैं, बस फाइनली पहुँच गए, उसी का सुकून है। अभी आप पहुँच गई हैं सेफली, क्या कहें? बस बहुत खुशी हूँ मैं फाइनली, अब बस घर जाना चाहती हूँ। वापस जाएंगी? हाँ जी वापस, ऑफकोर्स अगर सब सिचुएशन सही रही तो ऑफकोर्स, इट्स अ गुड कंट्री। अच्छा, लेकिन वहाँ की जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी पे हमला हो गए हैं, तबाह हो गई हैं यूनिवर्सिटी, तो ऐसा कोई डिमांड आपकी सरकार से, कोई अपील? डिमांड एज सच कि हाँ, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हुई है तो हम चाहेंगे कि वहाँ पे पीस हो, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। वहाँ की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा, उनकी हालत भी कुछ सही नहीं है, वो तो उनकी कंट्री, हम तो चलो अपनी कंट्री वापस आ गए, उनकी कंट्री में वो सब कुछ हो रहा है, वो लोग कुछ सही नहीं है, रोते, वो लोग भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कंट्री छोड़ रहे हैं, बहुत हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो हो सके तो सब कुछ ठीक हो जाए नॉर्मल। आपके दोस्त भी वहाँ फंसे हुए हैं? हम सब दोस्त अभी फ़िलहाल, काफ़ी बच्चे अभी इवैक्यूएट हो चुके हैं, लास्ट बैच है ये, अब शाम को भी अभी वहाँ से एक फ़्लाइट आएगी तो ऑलमोस्ट आ चुके हैं सब। सुमी रीजन में कुछ है बच्चे, वहाँ से भी इवैक्यूएशन अभी हो रहा है। सरकार की कितनी खुशगुजार है? बहुत, यहाँ पहुँच गए अब फाइनली तो, हाँ काफ़ी ज़्यादा। स्वाति के माँ बाप भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी एक रिएक्शन लेंगे। सर, आपकी बेटी आपके पास आ गई है वापस, सही सलामत आ गई है, उसने एक वॉर जोन से वो निकल करके आई है, कैसा लग रहा है बेटी को सामने देखकर? यह बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी तो बेटी घर पहुंच गई, बस बाकी क्या चाहिए, हमें तो ये किस तरह से घर पहुंच जाए, ये बस हम तो ये चाहते हैं, बाकी तो सरकार के बहुत बड़ा धन्यवाद है जिसने यहाँ तक पहुँचा लिया आज।
स्वाति की माँ की आंखों में आंसू हैं। मैम आपसे जानेंगे कैसे गुजरे आपके दिन ये 10 दिन। जानते हैं हमें रात को नींद नहीं आती थी ना भूख लगती थी, 10-12 दिन हमने कैसे काटा हम ही जानते हैं इस चीज को, पर हमें शक्ल देखना चाहते थे कब हमारी बेटी की शक्ल हमारे सामने दिखे। कैसे अपने आप को शांत रख पाती थी? बस ये तसल्ली बहुत देती थी हमें, बहुत ज़्यादा, ये हमेशा मम्मा रोना मत, बस हम सही है हम सही, हमेशा सही बोलती थी हमें कि हम सही है हम सही है, हम ठीक है ठीक हो जाएगा ठीक हो, यही बोला इसलिए बस। वापस भेजेंगी? वापस मुझे तो नहीं लगता, मैं नहीं भेज सकती इसे वापस, फिर इसके किस्मत तो सरकार से क्या कहेंगे? सरकार ने बहुत साथ दिया जी इनका, बच्चों का बहुत साथ, सरकार मोदी सरकार जी नहीं होते तो शायद ये बच्चे हमारे पास नहीं पहुँचते आज। तो ये था स्वाति का परिवार जो अपनी बेटी को वापस अपने पास पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो स्वाति की माँ का ये भी कहना है कि अब स्वाति जिस जगह से निकल करके आई हैं उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो उस जगह पर वापस उसे ना भेजें, अपने पास ही रखें, यहीं पर रह करके स्वाति जो है वो अपने आगे की पढ़ाई करें ताकि उन्हें अपनी बेटी को फिर से जुदा ना करना पड़े। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ अहमद बिलाल, ABP News, दिल्ली एयरपोर्ट।